जम्मू के अखनूर में जो ड्रोन को मार गिराया था उसको लेकर ये बड़ा खुलासा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये ड्रोन हेक्साकॉप्टर था। इतना ही नहीं, ड्रोन को असेंबल किया गया था। जम्मू पुलिस के आईजी ने कहा है कि ड्रोन 10 से 12 किलो वजन उठाने में भी सक्षम था और 1.5 साल में ड्रोन से गिराए 16 AK-47 बरामद भी हुए हैं। जैश और लश्कर ड्रोन से हथियार भेज रहे थे और ये बात अब इस ड्रोन को मारने के बाद जो खुलासा हुआ उसमें बताई गई है कि दोनों आतंकी संगठन जैश और लश्कर ड्रोन के जरिए कैसे हथियारों को भेजना चाहते थे। आप इसे ऐसे समझिए क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस एडीजी ने भी इस बात का खुलासा किया था अब से 10 दिन पहले कि ड्रोन एकमात्र ऐसा साधन है आतंकियों के लिए, एक बहुत ही ईजी मीडियम बन गया है हथियारों की सप्लाई करने के लिए और घुसपैठ को आसान बनाने के लिए आतंकियों को। कल रात हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली जिसमें हमें ये पता लगा कि जैश ए मोहम्मद ड्रोन के ज़रिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसका वज़न तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पर एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी, सिर्फ तार जोड़ के उसको प्लेस करने की ज़रूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता। और अब जी मीडिया संवाददाता राजू किरनी की रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक भारी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। बीती रात ये जो हेक्साकॉप्टर जो है इसे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने कानाचर सेक्टर के अंदर इसको जो है मार गिराया और इससे बरामद जो की गई है ये सारी जो है ये आईडी जो है ये उसमें लगी हुई थी। ये एक लोहे का एक पार्ट था, उसके बीच में ये 5 किलो आईडी जो है ये लगी हुई थी और ये हेक्साकॉप्टर जो है ये काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी सामान जो है ये कैरी करने के लिए होता है और मिलिटेंट्स की तरफ से जो पाकिस्तान आईएसआई की तरफ से जो प्लान किए जा रहे थे उन प्लान्स की जम्मू कश्मीर पुलिस को पूरी सूचना थी कि पाकिस्तान की तरफ से 15 अगस्त से पहले जम्मू क्षेत्र में कोई ना कोई गड़बड़ करने की ऐसी घटना की जा सकती है, जिसको देखते हुए सभी जो बॉर्डर के पुलिस स्टेशन से वो जो हिंटरलैंड के पुलिस स्टेशन से वो सभी के सभी जो थे उन सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया था और सुरक्षा बल जो है हाई अलर्ट पे थे। इसी हाई अलर्ट का ये नतीजा है कि पाकिस्तान की ये नापाक साजिश जो है ये नाकाम की गई। पाकिस्तान की तरफ से जो पहले 27 जून को जो हेक्साकॉप्टर आके जिन्होंने आईडी ड्रॉप करी थी जम्मू एयरपोर्ट पे, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे, वो और ये साजिशें पाकिस्तान की तरफ से हैं और तब से जो आईडीज दिखने का सिलसिला था वो थम नहीं रहा था। उस सीज फायर की आड़ में ये सारी की सारी जो है ये हरकतें जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं और इन्हीं हरकतों का जो है ये फल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला है। उसकी अलर्ट जो रही जम्मू कश्मीर की पुलिस, उसकी चौकसी जो थी उस चौकसी में इस हेक्साकॉप्टर को जो है यहाँ पे मार गिराया गया। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। और अब आप ये समझिए कि कैसे आसमानी नापाक साजिश को एक्सपोज किया गया है, कैसे ये पूरी जो प्लानिंग थी इसे ये एक्सपोज्ड हो चुकी है। ड्रोन का वो आप देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 6 फीट है, इसका वजन 17 किलो है, आईईडी इसमें था 5 किलो, AK-47 थी जिन्हें मार गिराया। तो ड्रोन की साजिश का ये बड़ा खुलासा आज का नहीं है, इससे पहले 10 दिन पहले जब एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने बताया था कि बीती रात 1 बजे अखनूर में ड्रोन दिखा। पहले ये समझिए कि बीती रात क्या हुआ था, पुलिस ने फायरिंग में ड्रोन को गिरा दिया और फिर इस नापाक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। ड्रोन के साथ 5 किलो का पेलोड भी था, ड्रोन के साथ तैयार स्थिति में आईईडी बंधा हुआ था। आईईडी को तार जोड़कर सिर्फ कमांड की ही जरूरत थी, कमांड देते ही ड्रोन में लगा आईईडी ब्लास्ट हो जाता और एक बड़ी साजिश को
ये आतंकी अंजाम दे चुके होते, लेकिन इसे हमने असफल कर दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.